दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। यहाँ दिन भर रुक रुक कर बारिश हो रही है। दिल्ली में शनिवार तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नोएडा गाजियाबाद में कक्षा 8वीं तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। किराड़ी विधानसभा में सड़कों की हालत देखने लायक है। स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मंगोलपुरी में तो भीषण सड़क हादसा होते होते रह गया। दरअसल वहां क्लस्टर बस अचानक गड्ढे में चली गई। खाली बस थी, इसमें कंडक्टर, ड्राइवर और मार्शल वो थे। अच्छा। और बस खाली आ रही थी तो इसमें एकदम से तेज आवाज हुई तो हम लोग निकल के आए, इसका पहिया अंदर चला गया। ये यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन डली हुई है, इतनी बड़ी लाइन है कि उसके अंदर मैं भी खड़ी हो सकती हूँ। तो तब से यहाँ पे वो बड़ी लाइन डली है ना, तो ये लोग मलबा डालते हैं। ऐसा नहीं कि मलबा नहीं डालते, लेकिन वो मलबा अंदर जमीन में कहाँ चला जाता मालूम नहीं। जब बारिश का मौसम होता है तो उसी टाइम, अभी कुछ टाइम पहले भी ऐसा हुआ था, तो हमने इनको बोला कि भाई यहाँ पे मलबा डालो, तो ये आए भी, काम भी किया, ट्रक के ट्रक मलबे डाले। लेकिन कुछ जब बारिश होती है ना कंटिन्यू 4-6 दिन, उसके बाद अचानक ये मिट्टी अंदर सरक जाती है और ऐसे ही गड्ढा हो जाता है। तकरीबन कितने दिन हुए बोर्ड को बने? इसको 1.5 साल हो गई होगी। और अभी जब हमने बोला तो उन्होंने बोला कि इसका हमने टेंडर पास कराया है 901 से लेके आगे तक, और ये रोड दोबारा बनेगी। अच्छा, ये जो सड़क धंसने का जो सिलसिला है ये कब से चलता चला रहा है? क्योंकि आपने बताया ना बार बार मलबा डालते हैं। हाँ, तो ये तब से चला रहा है ना सर, मैंने आपको बताया ना, यहाँ बड़े बड़े बहुत बड़े पाइप डले हुए पानी के, लाइन तब से खुदाई हुई वो डले, तब से यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि बारिश हुई तो मिट्टी जो है प्रॉपर तरीके से नहीं बैठी। अब वो मिट्टी को पानी डाल के उस टाइम तो उन्होंने नहीं बिठाया, लेकिन अब बारिश जब बढ़ती है तो पानी से वो मिट्टी बैठ जाती है, तो फिर उससे रोड में ये यहाँ पे क्या है, 2 साल से गड्ढा हो गए थे, बार बार उसको मलबे भर जाते हैं, ये सही हो जाता फिर बैठ जाता है ये बारिश के कारण। दूसरा नंबर ये यहाँ पे पाइप लाइन पानी लीक हुआ यहाँ पे, इसके अंदर इसके कारण ही बैठ जाती है, ठीक है ना। और PWD वाला आते हैं, इसको मलबा भर के चले जाते हैं, इसके मतलब कोई जल बोर्ड वाला कोई वाकई ये नहीं देखता कि किस कारण ये बैठती है। लोग वाग आते हैं, मलबा भर के चले जाते हैं, बस इसी कारण। वहाँ पे एक्सीडेंट आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं सर, बहुत दिक्कत होती है। गलियों में जाओ, गली वाले गेट बंद कर देते हैं, रास्ते खराब है, रोड पे जाओ पानी भरा है, कैसे चलाए कैसे कमाए, अरे डेली का पलटना, डेली के हॉस्पिटल लोगों ले जाना, बहुत रास्ते खराब हैं। अच्छा, हमने सुना है कि कुछ लोग इस तरह की शिकायतें करते हुए नजर आए हैं कि ई रिक्शा पलट जाता है, उसमें जो सवारी होती है उनको चोट भी लग जाती है, क्या ऐसा भी है? हाँ, ऐसा भी है। कभी आपके साथ हुआ कि किसी या जानकार के साथ? बहुत हमारे साथ भी हुआ है, 70 फुट पे हुआ है। गलियों में से जाने नहीं देते, गलियां बंद कर देते हैं। बहुत दिक्कत हो रही है, गड्ढी गड्ढा है, गाड़ियां पलट जाती है, निकलने में बहुत दिक्कत होता है और बहुत परेशानी हो रही है। काम धंधा भी नहीं चल रहा, कैसे गुजारा करें, कैसे खाएं, कैसे पेट पालन करें, बताओ। अच्छा, मान लीजिए कि कोई बीमार हो जाता है तो किस रास्ते से और कैसे लेके जाएं? निकल ही नहीं सकता सर इमरजेंसी में। बता दें कि मौसम विभाग ने दिल्ली समेत कई हिस्सों में अगले 3 दिन तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। दिल्ली NCR में शनिवार सुबह भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार को भी हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिन उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।